सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सबसे पहले। स्वागत है दोस्तों आपके यूट्यूब चैनल गोस्वामी टिप सेंटर पर। आज आपको हम बताएंगे हमारे पास ए टी बेस एक्सल 100 सेल्फ स्टार्ट है कि सेल्फ से स्टार्ट नहीं हो रही है, तो आपको आज आप हम बताएंगे सेल्फ से कैसे स्टार्ट होगी। ठीक है दोस्तों, क्या इसमें दिक्कत है और कैसे ये सेल्फ से स्टार्ट नहीं हो पा रही है, तो वीडियो के साथ बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जैसे आप देख पा रहे हैं हमारे पास ये टी वी एस एक्सल 100 सेल्फ स्टार्ट है। तो जैसे हम इसका सेल्फ दबाएंगे तो ये जो लाइट जो देख रहे होंगे अभी लाइट ब्लिंक हो जाती है, लाइट इसकी जल जाती है तो सेल्फ स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। जैसे हम सेल्फ स्टार्ट करेंगे तो ये आपको लाइट दिख रही होगी, ये इसकी सेल्फ दबाते ही जल जाती है। ठीक है, तो क्या इसमें दिक्कत है इसके बारे में आज आपको हम बताएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने इसकी वायरिंग वगैरह सारी चेक कर ली है। ठीक है, ऊपर से नीचे तक सारी, ठीक है, इसकी सीढ़ियाँ वगैरह भी सब अंदर जो कॉइल होती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों इसके हमने मैग्नेट वगैरह सारी चेक कर ली हैं, कॉइल वगैरह सीढ़ियाँ वगैरह सारी चेक कर ली हैं जैसे। ठीक है दोस्तों, तब ये सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रही, सारी चीज़ इसमें सही है, इसके लॉक वगैरह मेन स्विच वगैरह जो होता है ऊपर चाबी का लॉक वो सारी चीज़ सही है, लेकिन तभी स्टार्ट नहीं हो रही है। हमने आगे से भी सारी वायरिंग चेक कर ली है, सारे वायर वगैरह सारे ठीक हैं, पूरी वायरिंग हमने टेस्ट कर ली है, लेकिन तभी ये सारी वायरिंग बिल्कुल सही है, सारी कॉइल वगैरह सही हैं, तभी ये सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रही है दोस्तों। जैसे हम सेल्फ का बटन दबाएंगे तो इसमें ये लाइट ब्लिंक करेगी। ठीक है, तो ऐसे अगर आपके पास कोई बाइक आती है तो आप कैसे इसको सही करेंगे इसके बारे में आज मैं आपको बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसे अगर आप, अब मैं आपको बताऊँगा कैसे इसका कोड निकलेगा। ठीक है दोस्तों, ब्रेक दबा करके और इसमें सेल्फ हमको दबाना है, 15 सेकंड तक इसका सेल्फ दबा के रखना है। ठीक है ना दोस्तों, ब्रेक दबाएंगे और इसका जो सेल्फ का जो बटन है इसको हमको थोड़ी देर के दबा के रखना है। ठीक है, आपको दिखाता हूँ दबा करके कैसे ये रखना है। ठीक है दोस्तों, पहले चाबी ऑफ करेंगे, चाबी ऑन है जी, हमने ये सेल्फ का बटन थोड़ी देर हमको जैसे कि 15 सेकंड तक दबाना है, फिर ये अपना कोड बताएगी लाइट। ठीक है दोस्तों, देख रहे होंगे आप अब ये कोड बताएगी, देखो ये आप देख रहे होंगे लाइट कोड बता रही है, ये बिलिंग कर रही है बार बार, तो हमको ये कुछ बता रही है वायरिंग के बारे में, इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, देखो जूम करके दिखाता हूँ जोरे से, ये लाइट बार बार ये हमको कोड बता रही है कि इसमें टी वी एस एक्सल 100 जो सेल्फ स्टार्ट है ये इसमें एक कोड होता है, ये बताती है कैसे ये इसमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये लाइट देखो आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 ये कोड कुछ बता रही है एक एक करके। ठीक है, तो आपको मैं ढंग से बताऊंगा कैसे ये, देखो 1 2 3 1 2 3 4। ठीक है, पहले ये 3 कहती है फिर कहती है 4, देखो 1 2 3 1 2 3 4। ठीक है, हॉलर करके ये 3 बोलती है फिर ये 4 बोलती है, जल्दी यानी 3 और 4 ही हमको कोड बता रही है। तो इसका क्या मतलब है ये आपको मैं बताऊँगा, ये इसमें क्या कमी है, ये कैसे ये कोड बिलिंग कर रहा है। ठीक है दोस्तों, सारी प्रोसेस आपको फुल डिटेल्स बता के दूंगा। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर दिखाता हूँ, देखो देख रहे होंगे आप, देखो ठीक है ये बिलिंग कर रही है लाइट। ठीक है, देखो 1 2 3 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, ये पहले 3 बता रही है फिर 4 बता रही है, इसका मतलब क्या है इसके बारे में आपको मैं बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले ये कहती है हमें, ये पहला कोड बताती है 3, ठीक है 3 यानी, ठीक है, और 3 कोड मतलब इसका 3। ठीक है, और फिर बता दिया हमको जल्दी जल्दी करके 4 बार बिलिंग करके, तो यानी 3 और 4। ठीक है, सेल्फ की वायरिंग वीडियो आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके, एक बार और दिखा दे रहा हूँ आपको, देख रहे होंगे आप, देखो ठीक है दोस्तों ये बिलिंग कर रही है 1 2 3 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे ये पहले हमको 3 बता दिया फिर 4 बता दिया। ठीक है, यानी ये तो हमारा हो गया पहला 3, फिर हो गया 4। ठीक है, इसका नंबर हो गया 34। ठीक है, ये बता रही है हमको कोड 34 कोड बता रही है, तो हमारे पास एक पीडीएफ फाइल है आपको दिखाते हैं इसमें 34 पे क्या इसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, ये टी वी एस एक्सल 100 सेल्फ स्टार्ट की पीडीएफ फाइल है, देख रहे होंगे आप, तो इसमें पूरी जानकारी सारी दी हुई है, बहुत काम आने वाली है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको रख भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर लें दोस्तों। कई सारे कोड दे रखे हैं, जैसे हमारे 22 पे इग्निशन कॉइल शॉर्ट है, और ये तुम्हारी 15 पे हमारी इग्निशन कॉइल ओपन, और ये हमारे 34 जो कोड आया था
आप देख रहे होंगे इस पे लिख रहा है बैटरी लो, ठीक है। तो ऐसे आप अब 15 पे ये तुम्हारा इग्निशन कॉइल ओपन, ये सारा इसमें दे रखा है कौन सी कोड पे कौन सी चीज़ें हमारी ख़राब है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने पास स्क्रीनशॉट ले के रख सकते हैं, बहुत काम आने वाली चीज़ है ये, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे हमको इस, तो हम अब ऐसा करते हैं इसको ना अब बैटरी चार्ज करके देखते हैं, फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है दोस्तों। हमने बैटरी वगैरह चार्ज कर ली है, ठीक है। अब आपको दिखाते हैं स्टार्ट करके ये सही हुई है या नहीं हुई है, ठीक है दोस्तों। वैसे तो हमने कॉइल वगैरह सारा चेंज कर लिया था तभी सही नहीं हुई थी, अब देखते हैं स्टार्ट करके, ठीक है दोस्तों। अब देखो इसकी लाइट भी नहीं जल रही है दोस्तों, पहले हम चाबी ऑन करते थे लाइट जल जाती थी, अब ये स्टार्ट हो गई है दोस्तों, देख रहे होंगे आप इसमें बैटरी लो की कमी थी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई दोस्तों, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, धन्यवाद।